छोटा सा दिखने वाला ये कस्ट ऑब्जेक्ट असल में बहुत डेंजरस चीज है, बिकॉज इसकी हेल्प से केंजाकू ने गोजो को सील कर दिया था। इस ऑब्जेक्ट का नाम है प्रिजन रियल। इसका यूज किसी को भी सील करने के लिए किया जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये किसी को भी सील कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इस वीडियो के अंदर हम इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सी यूट्यूब वीडियो देखी है, लोगों को तब भी डाउट रह जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में समझा सकूं। तो चलिए पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि प्रिज्म रियलम को बनाया कैसे गया। तो प्रिज्म रियलम जो है वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था गेनशिन, उसकी अवशेषों से बनाया गया था। कहा जाता है कि जो मॉन्क गेनशिन थे उनकी जो कस्ट टेक्निक थी वो एक बैरियर टेक्निक थी, एंड उसके मरने के बाद वो इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। अब जानते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज कि मेक श्योर आपका जो टारगेट है वो 4 मीटर के रेडियस के अंदर है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा और आपका टारगेट इसके अंदर सील नहीं हो सकेगा। अगली चीज ये कि आपको आपके टारगेट को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है, तभी ये उसे सील कर पाएगा। वेल, गोजो के केस में तो ये लगभग इम्पॉसिबल था, देन वहां पे केंजाकू ने अपनी बुद्धि लगाई एंड वहीं पर इस केंजाकू का राज भी खुला। तो प्रिज्म रियलम को एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ चैंट्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें आपको कहना पड़ेगा ओपन गेट। जब आप ऐसा बोलेंगे तो प्रिज्म रियलम अपने आप को फैला लेगा एंड उसके बीच में आप एक ब्लडी आई भी देखेंगे जो कि अपने टारगेट को सील करने के लिए होती है। जब वो उसे सील कर लेता है देन आपको उसे गेट ग्लोव्स का ऑर्डर देना पड़ता है एंड उसके बाद टारगेट चले जाएगा एक अलग ही डायमेंशन में। अब इस पर गेगे रिप्लाई देते हैं क्योंकि प्रिज्म रियलम के अंदर का टाइम रुक जाता है, इस वजह से जो उसके अंदर फंसा है उसे भूख और प्यास नहीं लगने वाली एंड टॉयलेट का तो सवाल ही नहीं उठता। एंड जहां तक बात है उसके एनवायरमेंट की, तो उन्होंने ये बताया है कि उसके आसपास का एनवायरमेंट बहुत ही हॉरर होता है और हमने इसे एनिमेशन में देखा भी है कि आसपास कैसे स्कल निकल रहे होते हैं। वेल, कहा ये भी जाता है कि सुकोना की फिंगर्स काटने के बाद उसकी ओरिजिनल बॉडी प्रिज्म रियलम के अंदर ही सील करी गई थी। खैर, ये थी आज के प्रिज्म रियलम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड आप सबके लिए क्वेश्चन है, प्रिज्म रियलम का एक और नाम है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड गाइस, वीडियो बनने में टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो प्लीज इस मेहनत को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।